थाना हाईवे इलाके के सौंख रोड स्थित समीप दबंगों द्वारा दिन दहाड़े दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मात्र चोरी में मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति कर ली, जिसके बाद पीड़ित को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एसएसपी ऑफिस शिकायत लेकर आए पीड़ित का आरोप है कि कुछ माह पूर्व थाना हाईवे क्षेत्र के सौंख रोड स्थित श्रीजी मार्केट में नामजद दुकान स्वामी से उसने 6000 रुपए प्रथमा दुकान किराए पर ली थी, जिसका 2 साल का एग्रीमेंट भी कराया था और किराए के एवज में 2 माह का किराया एडवांस के रूप में दिया गया था। लेकिन दुकान स्वामी द्वारा एग्रीमेंट के अनुसार 6 माह पहले दुकान को खाली कराने का दबाव बढ़ाने का प्रयास किया गया और दुकान न खाली करने पर जान से मारने की धमकियां दी गयी, जिसकी शिकायत उसने स्थानीय पुलिस से की, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा समय रहते इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और दबंगों ने पीड़ित की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित का आरोप है कि 27 अगस्त 2019 की सुबह करीब 10 बजे पीड़ित के सामने ही दबंगों द्वारा उसकी दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया और हथियारों के बल पर पीड़ित को डरा धमका कर बंधक बना लिया गया। पीड़ित के सामने उसकी दुकान लुटती रही, लेकिन पीड़ित दबंगों के सामने कुछ न कर सका और दबंग पीड़ित की दुकान में रखे लाखों के सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पीड़ित दुकानदार द्वारा पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारी घटना को देखा, वहां पर मौजूद अन्य गवाहों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस ने दुकान स्वामी से मिलीभगत करते हुए लूट के मुकदमे को मात्र चोरी में दिखाते हुए मामला दबा दिया, जबकि उक्त नामजद लोगों द्वारा इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिनके खिलाफ नामजद शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी उक्त दुकान में लूटपाट करने वाले अभियुक्तों को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं और वो खुलेआम चुनौती देते घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम यसु। बताएं क्या मामला लेकर आए हैं? मामला ये है कि हमारा एक शोरूम था राधा कृष्ण टेलीकॉम के नाम से श्रीजी कॉम्प्लेक्स में सौंख रोड पर मथुरा में, उसकी 27 अगस्त को सुबह 10 बजे लूट हो गई है मेरी आंखों के सामने। 100 नंबर पुलिस भी आके वहाँ से फुटेज वगैरह ले गई है, लेकिन मैं पुलिस चौकी में गई हूँ, चौकी इंचार्ज मिले हुए हैं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैं थाने गई हूँ, फिर मुझे वहाँ डांटा है कि यहाँ क्यों आ गई, फिर मैंने इंस्पेक्टर सर से कहा है, उन्होंने मुलजिम को वहाँ बुलाया है, वो कबूल करके गया है कि हाँ इनका ताला तोड़ के सारा सामान मैं ले गया हूँ और मैंने खुद भी वहाँ देखा है, और मेरे को जान से मारने की धमकी दी 13 अगस्त को। सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे को धमकी दे गए थे, जान से भी जाओगे माल से भी जाओगे, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन में पहले से ही एसएसपी सर के लिए, डीएम सर के लिए, थाने इंचार्ज सर के लिए, सभी के लिए रजिस्ट्री की है। बाई हैंड मैंने चौकी इंचार्ज विपिन कुमार को दिया है। उसके बाद फिर मैं इन्होंने मुझको 25 तारीख को मेरे बीएल वगैरह तोड़ दिए, फिर हमको मतलब कट्टे वट्टे रख के धमकाया गया है। उसमें हैं ये प्रेमपाल, चंद्रभान, एक प्रवीण नाम का लड़का है जो इन्हीं के साथ आता है, और 2-3 लोग और थे जिनको मैं नहीं जानती हूँ। ये नगरी के हैं और ये प्रवीण की मुझे नहीं पता ये कहाँ इसकी दुकान है, इसमें चौधरी मार्केट में वो लड़का इनके यहाँ किराए पे रहा था, इसके भाई की दुकान है, ये किराए पे रहा है ये चंद्रवान अंकल जी के यहाँ। क्या मतलब केवल लूट का मामला है या कोई और भी मामला चल रहा है पुराना आपका? मामला कुछ नहीं है, ये दुकान खाली करने के लिए हमसे बोल रहे थे, तो मैंने इनसे खाली करने के लिए भी मना नहीं किया। 2 साल का एक मतलब 11 महीने का एग्रीमेंट किया है, अभी किया है इसमें मतलब 8 महीने अभी बाकी हैं, 7-8 महीने एग्रीमेंट को। 2 लाख रुपए पगड़ी के तौर पे लिए हैं, 2 महीने का किराया एडवांस लिया है, उसके बाद इन्होंने हमारा एग्रीमेंट किया। उसके 2 महीने बाद ही, 1.5 महीने बाद ही फिर ये हमसे ये कहने लगे कि दुकान खाली कर दो। मैं अंकल जी ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये बोले कि हम मजबूर हैं। मैं चलो मजबूरी को भी हम रखते हैं, जो भी हमारा हिसाब किताब है हमें आप अपने हमारे पैसे वापस कर देना और इतना टाइम हमें दे दो दीपावली तक, जो कि हम अपनी दूसरी जगह दुकान देख लें और अपना बिजनेस वहाँ सेट कर लें, तो हम खाली भी कर देंगे। खाली करने के लिए भी मना नहीं किया, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और ज़बरदस्ती मतलब 25 तारीख की शाम को हमें बुरी तरीके से धमकाया है, दुकान बढ़ा के जा रहे हैं और पकड़ लिया था मेरे साथ प्रवीण ने, और इन्होंने बदसलूटी भी की है। ये आपकी दुकान का सामान ये लोग ले गए निकाल के? ये लोग ले गए, मैंने खुद देखा ट्रैक्टरों से, एक वो मान महेंद्र वो है ट्रैक्टर ड्राइवर,
इन्हीं के संबंधी हैं, मतलब सारे लोकेश है, वो विष्णु, अमित, नवाब, रामवीर, इनके संबंधी हैं ये। और अब आप यहाँ आए हैं कप्तान साहब के पास, क्या मांगे अभी, क्या चाहते हैं? मैं इनसे ये कहती हूँ सर, एक तो मेरी जो लूट हुई है, इन्होंने मेरी चोरी में FIR दर्ज कर दी है। तुरंत मैंने मेन मौके पे पुलिस को भी 100 नंबर पुलिस भी वहाँ जाके देखा है, खुद मैं भी रोती हुई वहाँ गई हूँ, फिर भी मेरी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दूसरे दिन 28 तारीख की शाम को मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है, SSP सर से यहाँ मिल गई थी सुबह, फिर शाम को बंगले पे जाके मिली हूँ, तब इन्होंने वहाँ से फ़ोन किया है, तब इन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की है। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं है, आज 18-20 दिन हो गए, मुझे कोई पकड़ा नहीं है, कोई भी नहीं पकड़ा। और खुद मुलजिम आके वहाँ ये कह के जाते हैं कि हाँ हम ले गए सारा सामान, अपने पास रखा है, सुई सी चीज़ भी बरामद करेंगे, न तो उनको पकड़ते हैं, बड़े प्यार से उनको बिठा के हमसे गलत बोलते हैं। विपिन कुमार कह रहे थे भैया गए थे अकेले, मैं तो यहाँ थी नहीं, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, जैसा जी चाहते हैं वैसा कहलवाते हैं, और फिर ये और कहते हैं अगर कुछ भी हम बोलें कि हम, मुझे गुस्सा बहुत आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति, लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।